जो लोग धमका काम करते हैं या प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं या जिन्होंने धमकी संस्थाएं बना रखी हैं या बुद्धिहार बना रखे हैं, वो लोग भी ये कहते हैं कि लोगों को इकट्ठा करना है, लोगों को धम में लाना है, तो वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम राजनीति से परिवर्तन करेंगे, कल्चर से नहीं करेंगे, संस्कृति से नहीं करेंगे, सीधे सीधे राजनीति से करेंगे, वो लोग भी जब राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं इकट्ठे हो जाओ, हमको वोट दो। जो सरकारी कर्मचारी और संगठन है वो भी कहते हैं कि इकट्ठे हो जाओ, सरकार से अपने संसाधनों को बचाओ, अपनी जो जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी दफ्तर हैं उनको बचाओ, तो वो भी कहते हैं इकट्ठे हो जाओ। जो लड़के दलबल बना के बैठे हुए हैं वो भी कहते हैं कि सबको इकट्ठा होना है, सबको इकट्ठा होना है, सब इकट्ठे होकर आ जाओ। जो आर्थिक क्षेत्र में जो लोग हैं काम कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि सब इकट्ठे हो जाओ ताकि हमारा मार्केट हमारे पास रहे, हमारा बाजार हमारे पास रहे, हमारी दुकानें हमारे पास आ जाएं। तो इन सब बातों में एक बात कॉमन है कि सब चाहते हैं इकट्ठे हो जाओ, पर गलती ये हो रही है कि वो क्या कर रहे हैं कि सब अपनी अपनी बाल्टी लेके कुएं की तरफ भाग रहे हैं और कुएं में एक बाल्टी पानी है, तो कुएं में उन्होंने सबने अपनी बाल्टी डाल दी और वो सब उसमें से पानी खींचना चाहते हैं। जब कुएं में एक बाल्टी पानी है और बाल्टी वहां पे चार पड़ गई है तो एक बाल्टी पानी तो किसी को मिल ही नहीं सकता। तो समझदारी इसी में है कि अगर चार लोग उसमें आ गए हैं और चारों लोग अपनी अपनी बाल्टी से, मान लो जो 25-25% जो चौथाई चौथाई उन्होंने बाल्टी भरी है, उसको पानी को एक बाल्टी में इकट्ठा कर लें तो एक बाल्टी हो जाएगी और फिर उस बाल्टी को उठा के ले जाएं और फिर सब उसमें से इस्तेमाल कर लें। तो क्या करना है, मान लो बाल्टी का जो रंग है पानी का वो मीठा करना है आपने, तो उसमें चीनी डाल दो तो सारा मीठा हो जाएगा, तो सबको मिल जाएगा। अब जब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो मीठा पानी सारे पी सकते हैं। तो मान लो धम के लोग हैं, वो कहेंगे हमें धम का काम करना है, तो धम का करो, तो पूरी बाल्टी तैयार है आपके लिए, भरी हुई है, मीठी है, तो सब लोग कहेंगे करो भी धम का काम, हम सब साथ हैं। तो उनको अलग अलग इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग बाल्टी नहीं खींचनी पड़ेगी। उनको राजनीति करनी है तो वे राजनीति कर लो, तो बाकी धम के लोग उनके साथ हैं, लड़के भी उनके साथ हैं, सरकारी कर्मचारी उनके साथ हैं, कर लो भी राजनीति, बना लो एक पार्टी या सबकी मिलकर एक पार्टी बना लो, जीत जाओ, करो उद्धार। या लड़के कहते हैं कि उनकी समस्या है, नौकरी वगैरह चाहिए उनको, तो ठीक है भाई हम सब साथ हैं, चलो लगाओ पार्लियामेंट में अपना बिल लगाओ और वहां से अपने लिए रोजगार के लिए काम ले लो, तो काम बन जाएगा। या व्यापार करना है, व्यापारी है, तो कहते हैं सारे लोग आपके साथ हैं, बाजार आपके साथ है, पूरी बाल्टी भरी हुई है। तो ये जो बेवकूफी हो रही है कि हर आदमी अपनी बाल्टी लेके कुएं में जा रहा है, जब ये 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और 100 करोड़ लोग सारे श्रवण समाज के हैं और एक साथ हैं, अगर ये पहले इकट्ठे हो जाएंगे तो इन 100 करोड़ लोगों को या 110 करोड़ लोग हैं, इनको कहीं भी आप ले जाओ, कहीं भी खड़ा कर दो, जिस काम में आप लगाओगे वो काम अपने आप हो जाएगा। इतनी सी बात है, इतनी सी समझ होनी चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, पहले पार्टी बनाते हैं फिर इकट्ठा करने जाते हैं, पहले धम के ठेकेदार बनेंगे, पहले धम का कुछ बनाएंगे तब वो धम के लोगों को इकट्ठा करने जाएंगे, पहले दलबल बनाएंगे फिर वो इकट्ठा करने जाएंगे, पहले सरकारी कर्मचारी नेता बनेगा फिर वो इकट्ठा करने जाएगा। अरे भाई पहले इकट्ठा करो ना और फिर बाद में कुछ बनो, और या जो इकट्ठे लोग हैं वो अपने आप बना देंगे आपको जो बनना होगा, तब बात बनेगी, तब काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बन सकता। वरना सब अपनी अपनी बाल्टी लेके घूमते रहो, कुएं में तो एक ही बाल्टी पानी है, किस किस को मिलेगा वो टुकड़ों में बटा रहेगा, 6743 बाल्टी उसमें डालोगे, एक लीटर एक बाल्टी पानी है तो आप सोचोगे दो दो बूंद हिस्से में आएंगी, बल्कि दो बूंद भी हिस्से में नहीं आएंगी, आधा आधा बूंद हिस्से में आएगी, उससे किसी का काम नहीं बनने वाला। फिर तो जिसके पास ग्लास भर के पानी होगा वही राजा होगा, आप राजा नहीं बन सकते। इसलिए बाल्टी भर के एक साथ चलना है तब जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद है जुड़ने की। धन्यवाद।